कर। जय शिव शंभो, जय श्री राम। महाराज 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 क्या है वीर सिंह? वीर सिंह मत कहिए महाराज, बहुत डर लगता है। क्यों? वीर सिंह आपका नाम तो है, तो डर किस बात का? वो छोड़िए महाराज, ये दो कुंडलियां देखिए, एक है मेरे बेटे की और एक होने वाले बहू की। अच्छा, देखकर बताइएगा तो वो खुश तो रहेंगे ना। लाओ अभी बताता हूँ। बहू हमारी बेटे से कपड़े धुलवाएगी। अच्छा, वेरी गुड। पहले 3 वर्ष उसे खाना बनवाएगी। अरे बाप रे, पहले 3 वर्ष उसे घर का काम करवाएगी। हे भगवान, पहले 3 वर्ष उसे खूब पीटेगी। अच्छा, कौन? लेकिन 3 वर्ष के बाद सब कुछ तो हो जाएगा ना? 3 वर्ष के बाद तुम्हारी बेटे को इन सब की आदत पड़ जाएगा और वो कंप्लेन भी नहीं करेगा जैसे हमारे साथ हुआ था। अरे डरपोक, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, आज मेरे बेटे की ना बहुत याद आ रही थी। साले आकरा नंबर, आज मेरे बेटे की ना बहुत याद आ रही। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, पास में एक मेला लगा है ना, इसलिए। मेले से तुम्हारे बेटे का क्या संबंध? एक बार मैं अपने बेटे को मेले में ले गई, वो वहाँ जो भी देखता था मांग लेता था। वो दिलवा देती ना? उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। वो जो भी देखता था मांग लेता था। पहले गुब्बारा मांगा, फिर कुल्फी मांगी और फिर खिलौने। जब नहीं दिलवाई तो रोने लगा। बच्चे हैं तो मांगेंगे नहीं। हाँ, वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो मुझे इस दीनानाथ आश्रम में छोड़। क्या हुआ था मेले में? मेले में वो एक बार थोड़ी देर में वो गुम हो गया। अरे बाप रे, वहाँ वो रोने लगा। तो जो भी मांगता था, लोगों ने उसे जो भी दिलवाया वो नहीं लूंगा बोला। पहले गुब्बारे मांगे, उसने नहीं लिया। कुल्फी मांगी, वो भी नहीं लिया। और खिलौने मांगे, वो भी नहीं लिया। अरे मुफ्त में मिला तो भी नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया, बस रोता रहा। इतना प्यारा बच्चा। हाँ, वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो मुझे इस दीनानाथ आश्रम में छोड़ के गया। मुझे देखने के लिए भी फुर्सत नहीं है उसके पास। घबराओ नहीं राजकुमारी, कम से कम तुम्हारा बेटा तो तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर गए। क्यों? और कहाँ छोड़ने के जाना चाहिए था? दिल्ली की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, कहानी नहीं। एक बेटा अपने माँ को कूड़ेदान में डालकर चले गए। भगवान, रात भर कलयुग है, रात भर शुक्रते नहीं, फिर बेचारी दम तोड़ दिया। महापालिका वालों ने लावारिस रात समझकर उसको अंतिम संस्कार किया। अरे बाप रे, ऐसा अनर्थ किसी दुश्मन को भी ना हो। अनर्थ? कौन सा अनर्थ? यू डरपोक जी, कौन सा अनर्थ हो गया? क्या बात है कोकी, आपका आवाज नहीं नजर आ रही हो।
अभी अभी अपने बेटे का शादी का वीडियो देखकर आ रही है वो। बटन ऑन। तो तब तो सारा माहौल रंगीन हो गया होगा। शादी में जब भी शादी का खाना के बारे में याद करती हूँ पेट पकड़ कर हंसने लगती हूँ। अच्छा ऐसा ऐसा क्या हो गया था? बहुत हमने खाने के लिए बहुत सारे आइटम लगाए थे। लोग पागल हो गए क्या? सचमुच पागल हो गए थे? इतना खाना देखकर लोग प्लेट लेकर जब बाहर आ रहे थे तब मानो कारगिल से जवान निकल कर आ रहे हैं। अच्छा और हर एक प्लेट की स्थिति अजीब थी। अजीब मतलब कैसे? अरे मत पूछो रायता, ऐसे 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 लुढ़कते हुए चावल के नीचे से जाकर आलू मटर में मिल गया। अरे ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पापड़, पापड़ ने तो सरेंडर कर दिया, कहा खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 मिनट से सलाद जो मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब चटनी, रोटी प्लेट के बाहर पैर लटक के बैठे थे जैसे बच्चे किसी दीवार के ऊपर बैठकर पैर लटका रहे हो। क्या बात है। और अचार, अचार गुमशुदा हो गई, कहने लगी किसी एक निभाले में आऊंगी और कल सुबह बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। ये सब इस बुफे के चलते हो रहा है। सही कहा तुमने, आजकल खाना अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पहले तो जमीन पर बैठकर खाते थे, उसके बाद टेबल पर खाने लगे और अब तो पूरा प्लेट हाथ में आ गया। एक दिन ऐसा आएगा हवा में खाना उठता रहेगा और हम सब लोग उड़ी मार के उठकर। आओ माँ, यही है वो दीनानाथ वृद्धाश्रम जहाँ आपको एक हफ्ते के लिए रहना है। बेटा मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों माँ? ये तो बहुत अच्छी जगह है, मैंने पता किया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ बड़ी अच्छी देखभाल होती है। और माँ तुमको तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहना है, जैसे ही घर का काम पूरा हो जाएगा मैं आपको यहाँ से आकर ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले। हाँ माँ, ये तो जरूर महंगे लग रहे हैं। जरूर माँ जरूर। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। नाम क्या है आपका? नम्रता। नाम नम्रता, लेकिन देखो कितना घमंड से बोल रही है। देखो नम्रता, इस जगह की आदत डाल लो वरना मुश्किल हो जाएगा। मैं कोई भीख मांगी थोड़ी हूँ जो मुझे इधर रहना पड़े। मैं तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहने आई हूँ, मेरा बेटा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। घोर कठिन है ये सब, माया है। माया नहीं कहिए, ममता है। ममता बेचारी ममता। केकई तुम तो घुटनों दवा मांग रही थी ना? जी जी जी। चलो देता हूँ। चलिए चलिए। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर। देखो कुछ लगे तो मांग लेना, हम यहाँ सब एक दूसरे के सहारे ही होते हैं। मुझे ऐसे वैसे के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा श्रवण है जो मुझे यहाँ से ले जाएगा। बेचारी। बैठो नम्रता। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा मेरे बेटे को फोन करके आती हूँ, तो घर पहुँच गया होगा। हेलो 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 श्रवण बेटा,
हेलो, घर पहुंच गया है क्या बेटा? हाँ माँ बोलो। घर पहुंच गया है क्या बेटा? नहीं माँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ, जरा बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है। वो फोन नहीं करेगा? नहीं, वो जरूर फोन करेगा। बचपन में मैं जब अपने बेटे को स्कूल में छोड़ता था तो बहुत रोता था। कई बार वो मेरा साथ लौटने के लिए भी जिद करता था। वो तो सभी बच्चे करते हैं, फिर धीरे धीरे स्कूल की आदत हो जाती है। वही बेटा मेरे को यहाँ छोड़कर गए, कहकर गए 2 महीने के बाद आपको यहाँ से ले जाऊंगा। उसे जाकर कितने दिन हुए? पूरे 5 साल। 5 साल? हाँ 5 साल। इसी बीच में मेरे को पता चला वो उन्होंने मेरा पुरुको की हवेली बेच दी। अब अमेरिका में घर वर लेकर शान से जी रहा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता है। हेलो, मैं तो फोन करके आती हूँ। श्रवण बेटा, तू फोन करने वाला था, तुमने फोन नहीं किया, अब तो 2 घंटे हो गए बेटा। मैं बिजी हूँ माँ, अब समझती क्यों नहीं, मैं थोड़ी देर में करता हूँ ना। हेलो 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 हेलो, रख दिया। ऐसे ही होता है नम्रता, जब बच्चे को हल्का सा बुखार आ जाए ताकि ठीक आ जाए, हम रात भर जागते थे, उनके सिरहाने से उठते नहीं थे। लेकिन हमारे बुढ़ापा में उनके लिए वक्त नहीं है। ये आप कैसे बात कर रहे हो? मेरा श्रवण ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो यहाँ आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। भगवान करे तुम्हारा श्रवण बेटा आए और तुमको ले जाए। ऐसे ये जगह इतनी बुरी नहीं है, समय पर खाना मिल जाता है, दवा दारू मिल जाता है, कुछ दस्त बन जाता है, अरे और क्या चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ आप भजन कीर्तन में मन लगाओ। दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा श्रवण आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं। क्या हाल है नम्रता? हाँ ठीक हूँ, बस मेरे बेटे को फोन करके आती हूँ। हेलो श्रवण बेटा, माँ माँ बताया तो था मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, काम का बहुत प्रेशर है माँ, तुम समझती क्यों नहीं। तू बोलता है फोन करेगा पर भूल जाता है, अब तो 2 महीने हो गए बेटा। मैं फोन करता हूँ माँ। हेलो हेलो हेलो, छोड़ दो नम्रता, उसने फोन रख दिया होगा। नहीं मुझे फोन करेगा। नहीं वो मुझे फोन करेगा। देखो मेरी बात तुम्हें बुरी लगती होगी,
मेरी, लेकिन मेरी बात मानो, ये उम्मीद बांधने का काम छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करना सीखो, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, मेरा नहीं। मेरा श्रवण आएगा और मुझे यहां से ले जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूं तुम्हारा श्रवण आए और तुमको फौरन यहां से ले जाए। लेकिन यकीन मानो, यहां जब एक बार आ जाता है ना, वो वापस नहीं जाता। ये वन वे ट्रैफिक है, यहां से सीधा रास्ता शमशान तक जाता है। तो बेकार की बातें कर रहे हो, मेरा श्रवण उन लोगों में से नहीं है। मैं आज अभी यहां से जाना चाहती हूँ। मेरा धन घुट रहा है यहाँ, अभी फोन करूंगी, वो आएगा और मुझे आज ही यहां से ले जाएगा। मुझे पता है तुम्हारा पर क्या बीत रही है, यह के सभी पर यह बीत चुकी है। हम अपने बच्चे को पेड़ की तरह से बड़ा बनाता है ताकि वो बुढ़ापा में मेरा साया नसीब हो जाए। लेकिन बुढ़ापा में वही पेड़ कांटादार हो जाता है। उनको लगता है मैं मफत की रुपया तोड़ रहा हूं। हमें उन पर बोझ है। यहां का महल जरा ठीक है, यहां कोई किसी का दिल नहीं तोड़ता, क्योंकि पहले से भी टूटा हुआ है। तुम आराम करो। जाने हम लोग बच्चों से इतनी उम्मीदें क्यों पाल लेते हैं। उम्मीदों से सिर्फ दर्द ही मिलता है। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन।
बच्चों हमें यहाँ क्यों छोड़ जाते? तीन तीन मरने के लिए? अरे सारे जिंदगी इनकी देलवार की, सारी जवानी इन पर बर्बाद किया, इनके भविष्य के लिए दिन रात दौड़ते रहे। आखिर जब हम थक गए फिर नकारा खड़ा हो गए। हम दिल में ना सही, कम से कम घर में भी तो थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए। अरे कोई इसके बेटे को बताओ जो एक हफ्ता हो गया हो तो इनको यहां से ले जाए। हम जैसे माता पिता का फर्ज है, बच्चों का फर्ज नहीं होता। हम अपने बच्चे को अपने पास में रखते थे, क्या हमारे बच्चे हमारे लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते? क्या हमारा डर उनके समझ में नहीं आता? बचपन में हमेशा उनका हाथ पकड़कर हम चलते थे, बुढ़ापे में हमारी उंगली तक नहीं पकड़ सकते वो। हमने सारी जिंदगी तुम लोगों की नजर उतारी, आखिर समय पर तुम हमारा नजर का सामने नहीं रह सकते? हमने अपना खून दिया, बदले में हम थोड़ा सा वक्त मांग रहे थे, क्या वो भी नहीं दे सकते? बस करो बस करो बस करो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपने ही जड़ों को काटने चले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम शपथ लेते हैं कि आज से हम अपने माँ बाप को दिल की धड़कन की तरह संभालेंगे।